अब आज मुखबरियां कैसी हैं? डिश डिश डुक 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 ब्रम सांप को चक्कर इतने आ गए कि गिर पड़ा बेचारा। तौबा, कुछ थोड़े हालात खराब हुए हुए। पहली मुखबरी सुनोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में और कबायली इलाकों में ज्यादातर ये गर्ल स्कूल जो है ये बम ब्लास्ट करके उड़ाए जा रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट को बड़ी तफ्तीश थी। उन्होंने कहा कि यार देखो, यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तालिबानाइजेशन ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं, और खास तौर पे ये स्कूल उड़ाए जा रहे हैं गर्ल्स के, इसकी वजह क्या है? उन्होंने एक खुफिया अदारे की जिम्मेदारी लगाई कि इसकी छानबीन तो करें ये क्यों हो रहा है। जब छानबीन करके खुफिया अदारे ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट ये थी, उन्होंने कहा जी तालिबानाइजेशन तो एक पाथे छोड़ दे, हयूर ये जो वाकयात हो रहे हैं स्कूल अडाने के, इनके पीछे सबसे बड़ा ठेकेदार माफिया है। वो ये वाकयात इसलिए करवा रहे हैं कि स्कूल की भज टूट हो जाए, वो गिर जाए और उनको दोबारा ठेका मिले इसकी मरम्मत कार तामीर कार, उनके बंटू बने। देखो यरा, अपनी रिजक रोटी के लिए मासूम बच्चों के स्कूलों को उड़ाया जा रहा है। हाय 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 हाय। अगली मुखबरी ये है जनाब कि चाइना के वजीर आजम ने हमें एक गिफ्ट किया था, 1000 मोती का ऑपरेशन आंखों का फ्री किया जाएगा पाकिस्तान में। 1000 ऑपरेशन, 500 ऑपरेशन उसमें चाइनीज यहां आके करके चले गए। अभी जनाब 16 अप्रैल को वो चाइनीज डॉक्टर जो थे ना जी, वो लाहौर तशरीफ लाए, 250 ऑपरेशन उन्होंने इधर करना था। लो जी, अद्धी रात को जब 7 रुकनी चाइनीज डॉक्टरों की एक पार्टी यहां लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड हुई, तो उनके साथ उनकी अद्वियात और ऑपरेशन के लवाजमात सारे इक्विपमेंट भी वो उधर से लेके आते हैं साथ। मुफ्त ऑपरेशन जो करना होता है, ऊपर से चाइनीज डॉक्टर जदीद ऑपरेशन करने आए हुए थे। ये जो इधर हमारे फुटपाथ पे डॉक्टर बैठे होते हैं ना, ये कान पे अपना सारा ऑपरेशन थिएटर लगा के इधर से यार तार तार के ऑपरेशन कर रहे होते हैं, वो वाला ऑपरेशन नहीं, चाइनीज ऑपरेशन, करोड़ों रुपया लगा के इधर से आप लोग जाते हो उधर ऑपरेशन कराने के लिए। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। लो जी, वो 7 बंदे जब उतरे लाहौर एयरपोर्ट पे आधी रात को, ऊपर से सफर से थके हुए, हाय 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 हाय, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जो कस्टम के किंग बैठे हुए थे ना जी, बड़ा अफसर, उसने कहा कि भाई जी ये सारे जो हैं अपना आपके ये सामान समून चुरियां कांटे और ये दवाइयां शुवाइयां इसका कस्टम दो। लो जी, उन्होंने एफबीआर से फॉर्मल अप्रूवल भी ली हुई थी, वो लेटर काट के उन्होंने दिखा दिया। उनका साथ प्रोटोकॉल अफसर भी आया हुआ था, उनको जो लेने आया हुआ था। सही। वो कस्टम वालों ने कहा कि भाई जी ये अप्रूवल नहीं मैं मानता, चलो दौड़ो, कस्टम दोगे तो बाहर जाओगे, मैंने नहीं जाने देना। जानते नहीं कस्टम अफसर, ढाई 3 घंटे वो खजल होते रहे, तरले मिलते करते रहे, उन्होंने सामान नहीं छोड़ा जी। फिर वो बेचारे जो बंदे थे वो बाहर निकल गए खजल खुजल होके सारी रात। सवेरे फिर उन्होंने एफबीआर से राबता किया, उधर से उन्होंने इनको फौरन फोन करके डांटा डूटा और इन्होंने फौरन सारा सामान छोड़ दिया। अब ये जो सारी रात उनकी खजल हुई यार, दूजे दिन उनको सामान मिला, वो बेचारे क्या करते, थक पेड़ के वो जाके सुते रहे। 80 ऑपरेशन जो 250 ऑपरेशन करना था उनमें से वो नहीं कर सके उस दिन। अब बेचारे रोज 4 घंटे ज्यादा लगा रहे हैं वो 80 ऑपरेशन पूरे करने के लिए। ये है चाइनीज गिफ्ट के साथ किया हुआ सलूक हमारे कस्टम अफसरान का। डिश मयाया मुखबरी भी सुन लो। GOR3 जो है ना जी लाहौर में, जहाँ पे ऑफिसर रहते हैं, टांगाड़ी वहां जा सकता है, ये याद रखना। सही। लो जनाबे अली, GOR3 में एक खातून रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर साहबा मनजा बाजवा, कनेड कॉलेज की प्रोफेसर है वो। उनका एक बेटा है जो ए लेवल में पढ़ता है। उनके साथ वाले फ्लैट में एक डिप्टी सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट बब्बर शेर पाकिस्तान के, वो डिप्टी सेक्रेटरी साहब शेख फरीद साहब हैं, वो रहते हैं। लो जनाब, वो जो डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने एक कुत्ता रखा हुआ था जर्मन शेफर्ड। अब ये येन में रहे कि अगर अजीज जैसा मस्कीन बंदा कुत्ता रखे तो वो कुत्ता होता है।
अगर कोई ब्यूरोक्रेट कुत्ता रखे तो वह बहुत ही कुत्ता होता है, आई मीन महंगा होता है, ऊपर से जर्मन शेफर्ड जिसके साथ जर्मन लग रहा है, देखो तो सही क्या कुत्ता होता है वो। लो हयूर, वह कुत्ता जो था ना, जो उन्होंने रखा हुआ था 22 और 23 फरवरी की दरमियानी शब, उन्होंने अपने घर की जो बाहर वाली बालकनी थी ना उधर छोड़ा हुआ था, ढका हुआ था, आई मीन वो ऊपर से फिर को आए जाए तो उसको देख के भौंकता है ना, जरा टशन भी होता है, इतना बड़ा कुत्ता ऊपर से नजर आ रहा हो। वो कुत्ता जनाब रात को चोरी हो गया, अब डिप्टी सेक्रेटरी साहब का जर्मन शेफर्ड चोरी हुआ, उन्होंने पुलिस बुला के दूसरे दिन वो जो साथ वाली असिस्टेंट प्रोफेसर साहबा का ए लेवल स्टूडेंट बेटा है ना जी, उस पे पर्चा दर्ज करा दिया। अब फरवरी से लेके अब तक वो बेचारी मस्कीननी असिस्टेंट प्रोफेसर और वो ए लेवल का स्टूडेंट जिसने बड़े खाब ख्याल देखे हुए हैं कि पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनूंगा और शायद ब्यूरोक्रेट ही बनना हो उसने, इसलिए उनको गुस्सा चढ़ गया होगा, तुम भी ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हो। अब जनाब वो थाने कचहरियों के हर दूजे दिन चक्कर लगाते हैं, उसकी तरीखे भुगत रहे हैं, कुत्ते का चूके पर्चा दर्ज हो गया हुआ। अब इस मुखबरी के साथ मैं सीएम साहब से अपील करूंगा, चूंकि हमारे सीएम साहब एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं लैपटॉप और दानी स्कूलों के तहत और इनामात बच्चों में तकसीम करके, जनाब ये एक ए लेवल के स्टूडेंट की जिंदगी और तलीम का मसला है। हयूर आप बड़े आदमी हैं, आपके बड़े बड़े लोग ही दोस्त होते हैं जनाब, अगर किसी बड़े बंदे के पास जर्मन शेफर्ड का जोड़ा हो और उसकी जर्मन शेफर्ड कुत्ती ने बच्चे दिए हो जनाब, तो उनसे एक जर्मन शेफर्ड कतूरा लेके इस डिप्टी सेक्रेटरी साहब को पहुंचा दे ताकि बच्चा ए लेवल कर सके। है बड़ी मेहरबानी आपकी। नाज़िम यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।